हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा सेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में झांगे गांव में दृश्य तस्कर होजो के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाग दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों टैरो कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चौप स्टिक द्वारा परसोई सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है हौजों के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमार ने कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग अब ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है सिद्धि को इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजों से माफ़ी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीना तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप स्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए हो जाए में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान साखी और चौप स्टार उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन साकी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंततः उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंततः उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नज़र आती है रणवीर सोरे चौप के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नज़र आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कु के रोल में नज़र आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नज़र आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नजर आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कॉनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक भाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लॉय कैलेसा कैलेसा खेर नरेश फरेस बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको ने बहुत पसंद किया है और स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फै मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में झांगे गांव में दृश्य तस्कर होजो के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाग दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों टैरो कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चोपिस्टी के द्वारा परसोई सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजों के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कु को मारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग अब ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है है को इस बात का एहसास होता है कि उसे गाँव में क्यों लाया गया था डर कर वो हौजों से माफ़ी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए वे व्यक्ति वे के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीना तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप स्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए होजो के ग्रोह में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान सखी और चौपस्टर उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन साखी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंतता उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंतता उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नजर आती है रणवीर सोरे चॉप के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नजर आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग के रोल में नजर आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नजर आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कॉनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लोई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश फरेस बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और, और इस को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार मिले हैं यह पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको ने बहुत पसंद किया है तो और स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा ल्यू सेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में गांव में दृश्य तस्कर होजों के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाद दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों टैरो कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग तो के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाल चौप्टी के द्वारा परसोई सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू के मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है सिद्धिको इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजो से माफ़ी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीने तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप स्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए हो जाए में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान साखी और चौपस्टार उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते हैं कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपने जुड़वा बहन साकी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंततः उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्ज़ी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंततः उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नज़र आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नज़र आती है रणवीर सोरे चौपस्टिक के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नज़र आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कुंग के रोल में नज़र आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नज़र आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नज़र आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नज़र आते हैं कौनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नज़र आते हैं तो इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश ताल तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक भाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लोई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश परेश बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चले दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की, की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट आठ सौ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि वो सबको ने बहुत पसंद किया है स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फै मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा डिंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में झांगे गांव में दृश्य तस्कर होजो के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाग दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों टैरो कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाल चौप्टी के द्वारा परसोईत सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजों के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमानी को मारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग अब ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है है को इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजों से माफ़ी मांगता है और खुद को गाँव के सामने एक हारे हुए वे व्यक्ति वे के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीना तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप स्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजे से मिलने में मदद करने के लिए होजो के ग्रोह में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान साखी और चौपस्टर उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन साखी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंतता उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंधता उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नजर आती है रणवीर सोरे चोप स्टिक के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नज़र आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग के रोल में नजर आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नजर आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कौनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन भाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिममन धमीजा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड भाई आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक भाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लोई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश परेश बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और, और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चले दोस्तों, तो, ,000 ,000 की की चले दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार स्टार मिले हैं यह पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से 4.6 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट रिव्यू बताइए तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा ल्यू सेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में गांव में दृश्य तस्कर होजों के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाद दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों कार्ड रीडर और नकली फ़कीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग तो के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चोप्टी के द्वारा परसोई सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फर्टेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमार ने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है सिद्धिको इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजो से माफ़ी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीना तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए हो जो में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान साखी और चौप स्टार उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपने जुड़वा बहन साकी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंततः उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंततः उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नज़र आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नज़र आती है रणवीर सोरे चौपस्टिक के रोल में नज़र आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नज़र आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कु के रोल में नज़र आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नजर आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कौनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नज़र आते हैं तय इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा यानि कि रिटेन बाय स्टोरी बाय रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक भाई सॉन्ग्स शंकर ऐसान लोई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश परेश बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 हज़ार नौ है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की, की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट आठ सौ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है और स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फै मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में झाँगे गांव में दृश्य तस्कर होजो के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाग दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चोप्टी के द्वारा परसोईित सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग अब ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है है को इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजों से माफ़ी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीने तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौपस्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए होजो के ग्रोह में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान सखी और चौपस्टर उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपने जुड़वा बहन साकी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंतता उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्ज़ी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंतत् उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नजर आती है रणवीर सोरे चोप के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नजर आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कुंग के रोल में नजर आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नज़र आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कोनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिममन धमीजा ने दिया और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लॉई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश फरेस बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और, और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चले दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार मिले हैं यह पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है तो और स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा ल्यूसेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में गांव में दृश्य तस्कर होजों के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाद दुकान पर सब्ज़ी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों कार्ड रीडर और नकली फ़कीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग तो के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चोप्टी के द्वारा परसोई सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गाँव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू के मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटिल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमानी को मारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है है को इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजो से माफी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीने तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप स्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए हो जाए में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान साखी और चौपस्टार उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते हैं कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूटी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन साखी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंततः उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंततः उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नज़र आती है रणवीर सोरे चौप के रोल में नज़र आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नज़र आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कु के रोल में नज़र आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नज़र आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नज़र आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कॉनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें मूवी को लिखा यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक वाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लॉय कैलेसा कैलेसा खेर नरेश फरेस बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको ने बहुत पसंद किया है और स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फै मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा यू की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में झांगे गांव में दृश्य तस्कर होजो के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाग दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों तेरों कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाजिस्टी के द्वारा परसोई सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजों के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कु को मारने की कोशिश किए थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग अब ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है है को इस बात का एहसास होता है कि उसे गाँव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजों से माफ़ी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीना तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप स्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए होजो के ग्रोह में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान सखी और चौपस्टर उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन साखी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वह होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंतता उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंतता उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नजर आती है रणवीर सोरे चॉप स्टिक के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नजर आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कुंग के रोल में नजर आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नजर आते हैं केविन वो फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कॉनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बताते इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लोई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश फरेस बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और जो को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चले दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से 4.6 स्टार मिले हैं यह पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से 4.6 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैक्ट मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा ल्यू सेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में गांव में दृश्य तस्कर होजो के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाद दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग तो के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चोपिस्टी के द्वारा परसोई सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू के मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फर्टेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कु को मारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है सिद्धिको इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजो से माफ़ी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीने तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप स्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए हो जाए में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान साखी और चॉपस्टर उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते हैं कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपने जुड़वा बहन साखी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंततः उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्ज़ी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंततः उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नज़र आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नज़र आती है रणवीर सोरे चौप के रोल में नज़र आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नज़र आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कुं के रोल में नजर आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नज़र आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नजर आते हैं केविन वु फ्रेंकी के रोल में नज़र आते हैं कौनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नज़र आते हैं तो इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश ताल तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें मूवी को लिखा यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक वाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लॉय कैलेसा कैलेसा खेर नरेश फरेस बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी ऑर्जन इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट आठ सौ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फै मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा ट्यूसेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में झांगे गांव में दृश्य तस्कर होजो के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाग दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों टैरो कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चोप्टी के द्वारा परसोईत सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे होजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजों के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमानी को मारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग अब ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है है को इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजो से माफ़ी मांगता है और खुद को गाँव के सामने एक हारे हुए वे व्यक्ति वे के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीने तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौपस्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए होजो के ग्रोह में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान सखी और चौपस्टर उसे दिखते देखते हैं वह खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन साखी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंतता उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंतत् उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नजर आती है रणवीर सोरे चौपिस स्टिक के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नजर आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग के रोल में नजर आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नजर आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कॉनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिममन धमीजा ने दिया है और मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड भाई आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक भाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लोई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश परेश बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जियोर्ज और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार मिले हैं यह पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट एंड रिव्यू बताइए तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा डूसेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में गांव में दृश्य तस्कर होजों के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाद दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों कार्ड रीडर और नकली फ़कीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग तो के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चौप्टी के द्वारा परसोई सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू के मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमानी को मारने की कोशिश थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग अब ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है सिद्धिको इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजो से माफ़ी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीने तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए हो जाए में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान साखी और चौपस्टार उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन साखी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंततः उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंततः उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नज़र आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नज़र आती है रणवीर सोरे चौप के रोल में नज़र आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नज़र आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कु के रोल में नज़र आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नज़र आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नजर आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कौनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नज़र आते हैं तो इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक वाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लोई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश परेश बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 हज़ार नौ है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट आठ सौ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फै मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में झाँगे गांव में दृश्य तस्कर होजो के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाग दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चोपिस्टी के द्वारा परसोईित सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फर्टिल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कु को मारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग अब ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है है को इस बात का एहसास होता है कि उसे गाँव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजों से माफ़ी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीने तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौपस्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए होजो के ग्रोह में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान सखी और चौपस्टर उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपने जुड़वा बहन साखी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंतता उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंता उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नजर आती है रणवीर सोरे चोप के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नजर आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कुंग के रोल में नजर आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नज़र आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कोनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको दें इस मूवी को लिखा यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिममन धमीजा ने दिया और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाय सॉन्ग्स शंकर एहसान लॉई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश फरेस बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और जन और इस को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट सोलह जनवरी दो हज़ार नौ है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से 4.6 स्टार मिले हैं यह पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से 4.6 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा ल्यूसेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में गांव में दृश्य तस्कर होजों के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाघ दुकान पर सब्ज़ी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों तेरों कार्ड रीडर और नकली फ़कीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चौप्टी के द्वारा परसोई सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गाँव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू के मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटिल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमानी को मारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है सिद्धिको इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजो से माफी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीना तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप स्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए हो जाए में घुस गया है होजोफर पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान साखी और चौपस्टार उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते हैं कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन साखी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंततः उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंततः उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नज़र आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नज़र आती है रणवीर सोरे चौप्ट के रोल में नज़र आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नज़र आते हैं रोंगर युवान पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कु के रोल में नज़र आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नज़र आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नज़र आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कोनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा यानि कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक वाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लॉय कैलेसा कैलेसा खेर नरेश फरेस बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार मिले हैं यह पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फै मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा ट्यूसेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में झाँगे गांव में दृष्ट तस्कर होजो के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाग दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों टैरो कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाजिस्टी के द्वारा परसोईत सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे होजो की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कु को मारने की कोशिश किए थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग अब ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है है को इस बात का एहसास होता है कि उसे गाँव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजों से माफ़ी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीना तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप स्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए होजो के ग्रोह में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान सखी और चौपस्टर उसे दिखते देखते हैं और खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है वह वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपने जुड़वा बहन साखी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वह होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंततः उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्ज़ी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंततः उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता तो है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नजर आती है रणवीर सोरे चॉप स्टिक के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नजर आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग के रोल में नजर आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नजर आते हैं केविन वो फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कौनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिम्मन धमीजा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड भाई आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक भाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लोई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश परेश बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और, और मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 हज़ार है Osionfish. चले दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो, तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार मिले हैं यह पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको सब ने बहुत पसंद किया है स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताइए तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा ल्यू सेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में गांव में दृश्य तस्कर होजों के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाद दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चोप्टी के द्वारा परसोईत सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गाँव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू के मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमानी को मारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग ग्रेट वर्ल्ड टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है सिद्धिको इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजो से माफ़ी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीना तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप स्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए हो जाए में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान साखी और चॉपस्टर उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते हैं कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपने जुड़वा बहन साकी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंततः उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंततः उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नज़र आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नजर आती है रणवीर सोरे चौपस्टिक के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नजर आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कुंग के रोल में नजर आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नजर आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कोनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश ताल तालरेजा ने और साथ में आपको बता इस मूवी को लिखा यानी कि रिटेन भाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक वाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लोई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश फरेस बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार मिले हैं ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट आठ सौ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको ने बहुत पसंद किया है स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फै मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा डिंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में झांगे गांव में दृश्य तस्कर होजों के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाग दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों टैरो कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चोप्टी के द्वारा परसोईत सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे होजो की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटिल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमानी को मारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग अब ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है है को इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजो से माफ़ी मांगता है और खुद को गाँव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीना तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौपस्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए होजो के गोह में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान सखी और चॉपस्टर उसे दिखते देखते हैं और खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुंफू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन साखी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंतता उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंतत् उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता तो इस है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नजर आती है रणवीर सोरे चौपिस स्टिक के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नजर आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग के रोल में नजर आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नज़र आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कोनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बताते इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिममन धमीजा ने दिया और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लोई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश परेश बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और, और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चलिए दोस्तों, तो तो दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से 4.6 स्टार मिले यह पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से 4.6 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको सब ने बहुत पसंद किया है स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट एंड रिव्यू बताइए तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा ल्यूसेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में गांव में दृश्य तस्कर होजों के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाग दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों तेरों कार्ड रीडर और नकली फ़कीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग तो के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चौप्टी के द्वारा परसोई सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू के मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमानी को कोशिश की कोशिश थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग अब ग्रेट वर्ल्ड टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है सिद्धिको इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजो से माफ़ी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीने तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए हो जाए गृह में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान साखी और चौप स्टार उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन साकी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंततः उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंततः उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नज़र आती है रणवीर सोरे चौप के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नज़र आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कुंग के रोल में नज़र आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नज़र आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नजर आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कौनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक भाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लॉय कैलेसा कैलेसा खेर नरेश परेश बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 हज़ार है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट आठ सौ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको ने बहुत पसंद किया है और स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फै मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा सेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में झाँगे गांव में दृष्ट तस्कर होजो के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाग दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों टैरो कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चोपिस्टी के द्वारा परसोईित सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फर्टिल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कु को मारने की कोशिश थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग अब ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है। सिद्धि को इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजो से माफ़ी मांगता है। और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है। और तीन महीना तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच स्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए होजो के गोह में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान सखी और चौपस्टर उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपने जुड़वा बहन साखी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंतता उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्ज़ी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंता उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नजर आती है रणवीर सोरे चोप स्टिक के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नजर आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग के रोल में नजर आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नज़र आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कोनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिममन धमीजा ने दिया और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लॉई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश फरेस बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से 4.6 स्टार मिले हैं यह पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से 4.6 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है और स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा ल्यूसेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में गांव में दृश्य तो तस्कर होजों के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाद दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों तेरों कार्ड रीडर और नकली फ़कीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग तो के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चोप्टी के द्वारा परसोई सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गाँव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू के मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटिल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमानी को मारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है सिद्धिको इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजो से माफी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीना तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौपस्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए हो जाए में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान साखी और चौप स्टार उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन साकी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंततः उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंततः उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नज़र आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नज़र आती है रणवीर सोरे चौप्ट के रोल में नज़र आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नजर आते हैं रोग योवान पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कु के रोल में नज़र आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नज़र आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नज़र आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कोनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तय इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा यानी कि रिटेन बाय स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक वाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लॉय कैलेसा कैलेसा खेर नरेश फरेस बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की, की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार मिले हैं यह पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट आठ सौ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फै मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा ट्यूसेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में झांगे गांव में दृश्य तस्कर होजो के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाग दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों टैरो कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाल चौप्टी के द्वारा परसोईत सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे होजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग को मारने की कोशिश थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भुलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है को इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजो से माफ़ी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीना तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप स्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए होजो के गोह में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान सखी और चौपस्टर उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुंफू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपने जुड़वा बहन साखी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वह होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंतता उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्ज़ी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंतता उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नजर आती है रणवीर सोरे चॉप स्टिक के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नज़र आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कुंग के रोल में नजर आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नजर आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कोनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तय इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया है और इस को एडिट किया यानी कि एडिटेड भाई आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक भाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लोई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश फरेस बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और, और इसमें को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 हज़ार है चले दोस्तों, तो की की चले दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार मिले हैं यह पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की तो है तो ये मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है और स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैक्ट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा ल्यू सेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में गांव में दृश्य तस्कर होजों के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाद दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग तो के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चोप्टी के द्वारा परसोईत सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू के मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फर्टेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है है को इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजो से माफ़ी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीना तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप स्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए हो जाए में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान साखी और चॉपस्टर उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते हैं कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपने जुड़वा बहन साकी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंततः उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंततः उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नज़र आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नज़र आती है रणवीर सोरे चौपस्टिक के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नज़र आते हैं रोगर योवान पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कुंग के रोल में नज़र आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नजर आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कौनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नज़र आते हैं तो इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश ता तालरेजा और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक भाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लोई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश परेश बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की, की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छ स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट आठ सौ मिलियन है इस मूवे ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको ने बहुत पसंद किया है और स्टोरी भी सब ने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फै मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा डिंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में झांगे गांव में दृश्य तस्कर होजों के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाघ दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों टैरो कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाल चौपस्टिक द्वारा परसोई सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमानी को मारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग अब ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है है को इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजों से माफ़ी मांगता है और खुद को गाँव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीने तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौपस्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए होजो के गोह में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान सखी और चौपस्टर उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते हैं कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है वह वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के ख़िलाफ़ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन साखी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वह होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंतता उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंतत् उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नजर आती है रणवीर सोरे चौपस्टिक के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नजर आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कुंग के रोल में नजर आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नज़र आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कोनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तय इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिममन धमीजा ने दिया और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लोई कैलेसा कैलेसा खेर नरेश फरेस बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी ने इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार स्टार मिले यह पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से 4.6 स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी ने बहुत पसंद किया है तो और स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट एंड रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैट मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा ल्यूसेंग की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में गांव में दृश्य तस्कर होजों के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाग दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों कार्ड रीडर और नकली फ़कीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग तो के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चोप्टी के द्वारा परसोई सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गाँव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू के मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फटेल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजो के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कुमानी को कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग अब ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है सिद्धिको इस बात का एहसास होता है कि उसे गांव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजो से माफी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीना तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौपस्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए हो जाए में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान साखी और चौप स्टार उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते हैं कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन साकी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंततः उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंततः उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का स्टार कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नज़र आती है रणवीर सोरे चौप के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नज़र आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग कुंग के रोल में नज़र आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नजर आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कॉनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टार कास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको बता दें इस मूवी को लिखा यानी कि रिटेन बाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया है और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाय आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक भाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लॉय कैलेसा कैलेसा खेर नरेश फरेस बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और इस मूवी को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार मिले हैं। ये पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको ने बहुत पसंद किया है और स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर देखें हेलो दोस्तों तो आज हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फैक्ट रिव्यू बताएंगे तो सबसे पहले हम चांदनी चौक टू चाइना मूवी का फै मूवी का स्टोरी बताते हैं फिल्म की शुरुआत चीन की महान दीवार और बहादुर योद्धा की कहानी से होती है इसके बाद यह वर्तमान में झांगे गांव में दृश्य तस्कर होजो के अत्याचार को दिखाती है सिद्धेश शर्मा उर्फ सिद्धू दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में सड़क किनारे एक खाग दुकान पर सब्जी काटने वाला एक साधारण व्यक्ति है वह अपने पालक पिता दादा के दबाव के बावजूद अपने भाग्य को बदलने के लिए ज्योतिषियों टैरो कार्ड रीडर और नकली फकीरों से सलाह लेता है जब चीन के दो झांगे गांव वाले उसे लियू सेंग के पूर्ण जन्म बताते हैं तो चार बाज चोपिस्टी के द्वारा परसोई सिद्धू को लगता है कि उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया जाएगा और वह उनके साथ चीन की यात्रा करते हैं उसे हौजों की हत्या करने और गांव में मुक्त करने के लिए उसकी भर्ती के बारे में पता नहीं होता है चीन के रास्ते में सिद्धू की मुलाकात भारतीय चीनी प्रवक्ता सखी से होती है उसकी जुड़वा बहन सूजी जिसे फीमेल फर्टिल मियो मियो के नाम से जाना जाता है होजों के लिए काम करती है लेकिन उसे सच्चाई नहीं पता कि होजो ने उसके पिता इंस्पेक्टर चियांग कु को मारने की कोशिश की थी और उसे बचपन में ही उसे चुरा लिया था चियांग अब ग्रेट वॉल टूरिस्ट एरिया के आसपास रहने वाला एक भूलने की बीमारी से पीड़ित आवारा है। सिद्धि को इस बात का एहसास होता है कि उसे गाँव में क्यों लाया गया था डर कर वो होजों से माफ़ी मांगता है और खुद को गांव के सामने एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में पेश करता है दादा आता है और होजो के आदमियों को पीटना शुरू कर देता है सिद्धू पर खड़े होकर लड़ने के लिए चिल्लाता है होजो दादा को मार देता है और सिद्धू को ग्रेट वॉल के ऊपर फेंक देता है घायल और अपमानित सिद्धू को भूलने की बीमारी से पीड़ित चियांग द्वारा मरने से बचाया जाता है और तू तीन महीना तक ठीक होने में समय लगता है जागने पर वह दादा को खोने से तबाह हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है इस बीच चौप स्टिक सिद्धू के साथ हुई घटना के लिए जिम्मेदार होने से बहुत दुखी है और वह सखी को सूजी से मिलने में मदद करने के लिए के ग्रोह में घुस गया है होजो पर हमला करने के सिद्धू के पहले प्रयास के दौरान सखी और चौपस्टर उसे दिखते देखते हैं वो खुशी से महसूस करते कि वह जीवित है सिद्धू और साखी साथ देखकर चियांग को अपनी यादाश्त वापस मिल जाती है वह और वह अपनी बेटी से फिर से मिल जाता है वह सिद्धू कुम्फू सिखाता है ताकि वह होजो के खिलाफ लड़ सके होजो सूठी से झूठ बोलता है कि चियांग ने उसके असली पिता को मार डाला वह प्रतिशोध में चियांग को चाकू मार देता है लेकिन जब वह अपनी जुड़वा बहन साखी को देखता है तो एहसास होता है कि होजो ने उसे झूठ बोला था फिर वो होजो को धोखा देती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है सिद्धू एकल मुकाबले में होजो से लड़ता है अंतता उसे पराजित करने के लिए अपनी खुद की सब्जी काटने की तकनीक का उपयोग करता है अंतता उसे मार देता है इसके बाद सिद्धू चीन में एक सब्जी की दुकान खोलता है उसे अफ्रीका पिगमी लोगों की मदद करने के लिए भर्ती किया जाता है तो स्टोरी यही समाप्त होती है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का कास्ट बताते हैं अक्षय कुमार सिद्धेश सिद्धू शर्मा के रोल में नजर आते हैं दीपिका पादुकोण सखी के रोल में नजर आती है रणवीर सोरे चॉप के रोल में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के रोल में नजर आते हैं रोगर योन पुलिस इंस्पेक्टर चियांग के रोल में नजर आते हैं गोडोन ल्यू होजो के रोल में नजर आते हैं किरण जुनेजा चियांग के वाइफ के रोल में नजर आते हैं केविन वू फ्रेंकी के रोल में नजर आते हैं कोनन स्टीवेंस जॉय के रोल में नजर आते हैं तो इस मूवी का स्टारकास्ट है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रोहन सिप्पी रमेश सिप्पी मुकेश तालरेजा ने और साथ में आपको दें इस मूवी को लिखा है यानी कि रिटेन भाई स्टोरी बाई रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले रजत अरोड़ा श्रीधर राघवन ने किया है और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो हिमन धमीजा ने दिया और इस मूवी को एडिट किया यानी कि एडिटेड बाई आरिफ शेख ने और म्यूजिक दिया यानी कि म्यूजिक बाई सॉन्ग्स शंकर एहसान लॉय कैलेसा कैलेसा खेर नरेश फरेस बप्पी लेरी बोहेमिया बैकग्राउंड स्कोर में डेनियल बी यू जी और जन को रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट 16 जनवरी 2009 है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का बजट और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं तो इस मूवी के बजट की बात करें तो आठ मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से वन बिलियन की कमाई की है चलिए दोस्तों अब हम इस मूवी का रिव्यू देते हैं इस मूवी के रेटिंग की बात करें तो पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार मिले यह पब्लिक रेटिंग यानी पब्लिक रिव्यू पाँच स्टार में से चार पॉइंट छः स्टार बहुत अच्छा रेटिंग है चलिए दोस्तों और जैसा कि मैंने बताया इस मूवी का बजट 800 मिलियन है इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 1.2 बिलियन की कमाई की है तो वो मूवी हिट साबित हुई और ये मूवी हिट साबित हुई यानी कि मूवी सबको ने बहुत पसंद किया है तो और स्टोरी भी सबने बहुत पसंद किया है और स्टोरी बहुत अच्छा है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें